ब्रिजभूषण के खिलाफ नाबालिग ने बदला बयान तो निर्भया की मां ने किया पहलवानों का समर्थन। WFI चीफ ब्रिजभूषण सरन सिंह और पहलवानों के मामलों के बीच अब निर्भया की मां आशा देवी की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने नाबालिग पहलवान के बयान पर सवाल खड़े किए। आशा देवी ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि नाबालिग पीड़िता ने ब्रिजभूषण के खिलाफ दूसरा बयान आखिर दर्ज क्यों किया। बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सरन सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान के पिता ने 8 जून को बयान दिया था कि उन्होंने जानबूझकर एक झूठा केस फाइल किया था और इसी को लेकर निर्भया की मां आशा देवी ने अब खुद इंटरव्यू एक दिया है। निर्भया की मां आशा देवी ने पहलवानों के समर्थन में कहा है कि मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पहलवानों को न्याय नहीं मिला है। आशा देवी ने कहा कि इस मामले में राजनीति की वजह से पहलवानों को अधिक से अधिक चीजों को और बातों को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, 28 मई के दिन पुलिस की तरफ से हुई कार्यवाही पर बोलते हुए निर्भया की मां ने कहा कि पुलिस ने जिस तरह से पहलवानों को पीटा और हटाया वो सही नहीं था। आशा देवी ने आगे कहा कि 8 जून को नाबालिग पीड़िता के पिता ने कहा कि उनके बेटी के साथ अन्याय हुआ था और वो उसका बदला लेना चाहती है। उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए इस लड़की के पिता ने कहा कि कोर्ट की जगह अभी सच बोलना ज्यादा सही होगा। सरकार से बातचीत शुरू हो चुकी है। सरकार ने वादा किया है कि वो मेरी बेटी की हार पर छानबीन करेंगे। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी गलती सुधार लूं। लड़की के पिता ने दावा किया कि बेटी ने एशियन U17 चैंपियनशिप के ट्रायल के दौरान जानबूझकर रेफरी ने उन्हें हराया था। ये पूरा मामला 2022 का है। लड़की के पिता ने बताया कि वो फाइनल में मैच हार गई थी। उनका कहना है कि रेफरी को फेडरेशन ही अपॉइंट करता है। फेडरेशन के मुखिया ब्रिजभूषण है। अगर गुस्सा उन पर नहीं आएगा तो किस पर आएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।